प्रेरणा कथा। तीन लोग, तीन बातें। तीन लोग एक भवन के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। तीनों ही ईंटें लगा रहे थे और सीमेंट से उनको पक्का कर रहे थे। तभी वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने उन तीनों को ईंटें लगाते हुए देखा। उस व्यक्ति ने तीनों से एक-एक करके पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले व्यक्ति ने कहा, दिखता नहीं है तुम्हें, मैं मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, तुम देख नहीं रहे हो, मैं ईंटें लगा रहा हूं। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक बहुत सुंदर इमारत बना रहा हूं। कितनी अजीब बात थी कि तीनों लोग ही एक सा काम कर रहे थे, परंतु तीनों के ही दृष्टिकोण फर्क फर्क थे, जैसा कि उनके उत्तरों में दिखता है। तीनों की अपने काम के प्रति धारणा अलग अलग थी। क्या उनकी अलग अलग धारणा का प्रभाव उनके काम में भी दिखने वाला था? हमारा तो उत्तर है जी हाँ। उनके अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रभाव उनके द्वारा किए जा रहे काम में भी दिखने वाला था। मित्रों, कोई भी काम या कृति उत्कृष्ट हो जाती है जब उसको करने वाला या बनाने वाला उस काम में गर्व महसूस करता है। हर काम उस काम को करने वाले को भी प्रदर्शित करता है। चाहे कोई भी काम हो, कितना भी छोटे से छोटा, अगर करने वाला उसमें भी कोई सुंदरता खोज लेता है तो वो काम सुंदर हो ही जाता है और सबसे अलग दिखने लगता है। आप चाहे कार धो रहे हो, चाहे पौधों को पानी दे रहे हो, या फिर जमीन पर झाड़ू ही लगा रहे हो, अगर आपको उस काम को करते समय आनंद और गर्व की अनुभूति होती है तो वो काम बहुत ही अच्छा होगा। एक बार माइकल एंजेलो बहुत दिनों से एक मूर्ति पर काम कर रहा था। वो हर छोटी से छोटी चीज़ को उस मूर्ति में बड़े ध्यान से देखते थे और उसको फिर से और सुंदर बनाते थे। उनको उस मूर्ति को बनाते हुए बहुत दिन बीत गए। एक व्यक्ति उनको मूर्ति बनाते हुए देख रहा था। उसने सोचा कि माइकल एंजेलो व्यर्थ ही मूर्ति में बार बार कुछ सुधार करके अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। उस व्यक्ति से नहीं रहा गया, उसने कलाकार से पूछ ही लिया। माइकल एंजेलो ने मुस्कुराकर कहा, छोटी छोटी चीज़ों से ही पूर्णता प्राप्त होती है और पूर्णता छोटी नहीं होती है। लोग ये भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी जल्दी किया, परंतु ये कभी भी नहीं भूलेंगे कि आपने उस काम को कितने अच्छे से किया था। दिल लगाकर काम करने वाले व्यक्ति में अहम और अहंकार तो होता ही नहीं है। उसकी कृति में उसकी विनम्रता और मन की सुंदरता झलकती है। किसी काम का गुण स्तर और उस काम को करने वाले व्यक्ति के गुण स्तर को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है। उसके हाथों से होते हुए उसके गुणों को वो अपनी कलाकृति में स्थापित कर देता है। बेमन से किया हुआ काम ज़्यादातर कोई सुखद परिणाम नहीं देता है, वो सिर्फ औपचारिकता और खानापूर्ति ही होता है। मित्रों, जो भी आप करें उसमें गर्व महसूस करें और खूब मन लगाकर उसको करें। बहुत बहुत धन्यवाद।